इलावा लाला, अब कुछ दिन रुक जाते हमारे पास यहाँ। तुम लोग का शहर दास नहीं आया मुझे, इतना इतना भटक गया था कि अपनी बहन का कत्ल करने लगा था। तो तूने खुद पर काबू क्यों नहीं रखा? तू ताकत के नशे में ये क्यों भूल गया कि जरी तेरी सगी बहन? दौलत और ताकत का नशा होता ही ऐसा अम्मा, जब तक इंसान को जहन्नम की दहलीज तक ना पहुंचा दे उसका पीछा नहीं छोड़ता। बस बहुत हो गया, अब हम दोनों गांव चलेंगे। मैं छोटी हवेली साफ करवा कर आई हूं तेरे लिए, अब हम वहीं रहेंगे, तू चल मेरे साथ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये क्या कह रही है तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? आप इसे मत लेकर जाइएगा। जरी बेटा, खुशियां किस्मत से दरवाजे पे दस्तक देती हैं। अगर इंसान दरवाजा बंद रखे तो दूर दूर से खड़ी हस्ती रहती है। बेटा, खुशियां तेरे दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी हुई है, उनको मायूस मत कर, दरवाजे खोल दो उनके लिए। जिन दरवाजों पर जंग आलूदा ताले लगे होते हैं उन्हें खोलना नामुमकिन होता है। सरी जुनेद मुझे जेल में मिलने आया था, शर्मिंदा था, माफ कर दे उसे प्लीज, अपना घर मत उजाड़। मैं सबको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। सही, नहीं औलाद को क्यों अकेला करना चाहती है? तारा प्लीज, औलाद का हवाला देकर मुझे कमजोर मत बना। जो वादा तुमने जैनी आंटी से किया था उसका क्या? डॉक्टर्स बता चुके कि उनकी कंडीशन कितनी सीरियस है इस वक्त। तारा मगर अच्छा, इस हालत में अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगी तो वो आगे जाके सजाद अंकल को क्या जवाब देंगे? जरी मान जा बेटा, कुछ दिन अपने आप से जंग करके देख, अगर हार गई तो मुझे फोन कर देना, मैं उसी वक्त तुझे लेने आ जाऊंगी। तारा, तुम हम सब में सबसे ज्यादा समझदार, समझाओ इसको, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उस पर घर के दरवाजे बंद नहीं करते। मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरे सीने पे बोझ है उतर जाए।